दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई सैमसंग गैलेक्सी J2 या फिर खास करके सैमसंग के नए डिवाइस पर हम कैसे कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएंगे और आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस को यूज़ करते हैं। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं भाई आप देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी और मैं हूं आपके साथ रॉनी स्टार्क। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। Stark Technology. सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए कि ये हमारा सैमसंग का डिवाइस है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस इनेबल है। कॉल फॉरवर्डिंग ऑल वॉइस कॉल्स ये सर्विस ऑन है यानी इनेबल है। तो इसको कैसे डिसेबल किया जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मोर बटन पर आइए। कॉल पे आके मोर बटन, यहाँ पर मोर बटन पर आके आपको मोर सेटिंग्स ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अंदर आइए और जब आप इसके अंदर आएंगे तो आपको ऐसे कुछ रीडिंग सेटिंग्स ऐसे कुछ दिखाएंगे और यहाँ पर कुछ थोड़ी सी वक्त भी लग सकते हैं। और यहाँ पर जब आपके सेटिंग्स रीड हो जाएंगे तो सेटिंग्स रीड होने के बाद आपके जो है फॉर कॉल फॉरवर्डिंग, तो यहाँ पर से आपको इस ऑप्शन को फॉलो करके इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो वॉइस कॉल, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा वॉइस कॉल फॉरवर्ड है। तो हमको क्या करना चाहिए भाई, वॉइस कॉल में आते हैं और वॉइस कॉल में आके यहाँ पर भी रीडिंग सेटिंग यानी नेटवर्क कोऑपरेट के सेटिंग के साथ ये रीड होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑलवेज फॉरवर्ड, हमने एक नंबर यहाँ पर डाली थी, जो नंबर यहाँ पर से एक गलत नंबर डाले थे, पता नहीं ये कौन सा नंबर है, एक गलत नंबर डाल के हम कॉल फॉरवर्ड किए थे वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम अभी डिसेबल कर देते हैं। ये किसी का नंबर नहीं है, किसी का कोई पर्सनल नंबर नहीं है, ये नंबर दुनिया में है ही नहीं। तो यहाँ पर से इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं और इसको ऐसे यहाँ पर से डिसेबल बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जबकि आप डिसेबल बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से ये लोगो हट जाएंगे और ऐसे में आपको जो है सब कुछ डिसेबल रहेंगे। तो ऐसे में आप डिसेबल कर सकते हैं और कॉल फॉरवर्डिंग जो है, कॉल फॉरवर्डिंग या फिर बियरिंग या फिर खुद आपको पता नहीं कि भाई हमारे फ़ोन में कॉल क्या हो रहा है, क्या चक्कर चल रहा है, कॉल का फॉरवर्डिंग हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, मुझे खुद नहीं मालूम। तो इस हाल में आपके लिए और एक सुविधा है और एक वीडियो है जिसके ज़रिए आप यहाँ पर कोड एंटर करके, मैनुअली यहाँ पर कोड एंटर करके आप पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोड एंटर करके पता कर सकते हैं आपके कॉल डिसेबल है या फिर इनेबल है, फॉरवर्डिंग सर्विस इनेबल है या फिर बियरिंग सर्विस इनेबल है, क्या इनेबल है। और सब कुछ आप यहाँ पर से कोड डाल के सब कुछ डिसेबल कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर से देख लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आए। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चाहते हैं इससे भी मज़ेदार और मसलेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब यानी लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके प्यार आपके सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हम थोड़ी सी जो बन पाए हैं वो भी आपके प्यार और सपोर्ट से हैं। तो आज की जो वीडियो था वो इतना ही यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और अगर आप बता दूँ कि भाई अगर आप कॉमेंट या फिर कोई किसी भी सवाल करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर प्लीज़ अपने सवालों को डाल दीजिए, हम आपके सवालों की प्रतीक्षा हर समय करते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को एंड तक देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड टाइम।